अच्छा टीचर होना जरूरी है अच्छा साइकेट्रिस्ट? आई थिंक अच्छा टीचर होने का पहला जो स्टेप है वो अच्छा साइकेट्रिस्ट होना है। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ योर स्टूडेंट्स, तकरीबन एक हफ्ता हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू माई स्टूडेंट्स, और उनकी जो वेराइटी है कि वो कोई लाहौर से है, कोई फैसलाबाद से आया, कोई उकाड़ा से आया, कोई चीचावत्ती से आया है, अब इन सबको मुझे एक लेवल पर लाना है। अब मुझे इन सब में से वो जो तासुब है, वो जो एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैम मैं तो गांव से हूँ, मैं तो इंग्लिश नहीं जानता, या मैम मैं तो वो पंजाबी बोलता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती, और उस तरह से ही अंग्रेजी समझ में नहीं आती, मुझे उन सबको एक लेवल पर कैसे लाना है, उनको वो वी फीलिंग कैसे देनी है, नाउ वी आर टुगेदर, नाउ वी विल बी टुगेदर फॉर 4 मंथ्स इन वन क्लास। अब हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से नहीं, अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हमने यहाँ से आगे कैसे जाना। तो आई थिंक उनकी नफ्सियात को समझना और समझ कर चलना, और फिर बच्चों को जब आप लेकर चलते हैं साथ तो उनको सेटिस्फेक्शन भी होती है, उन्हें ये भी पता होता है। कई बार हम अक्सर कहते हैं कि जो बच्चे पंजाबी समझते हैं वो ज़्यादा ईजी होता है, उनको मैं कहती हूँ अच्छा पंजाबी में बात कर लेते हैं, ठीक है आपको पंजाबी में समझा देते हैं, आप मेरे पास अलहदा से आ जाना, देन वी विल टॉपिक इज इन यूनिवर्सिटीज हमारे लिए भी पॉलिसीज होती हैं दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश। तो जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं या उर्दू में बच्चों को समझा रहे हैं, बाइलिंगुअल चल रहा होता है, तो पंजाबी को फिर हम उस तरह से, ये बड़ी एक दुखदायक बात है कि मादरी जुबान को हमने एक स्टेटस कॉन्शियस उस एक जुमरे में लाकर खड़ा कर दिया कि अगर पंजाबी बोलेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको थोड़ा सा शन करने की ज़रूरत है। अगर आप अलहदा से वक्त दे सकते हैं दे दें, लेकिन अपने बच्चों को सेटिस्फाई करें ज़रूर। क्यों लगता है आपको हम अपने आप से क्यों शर्मिंदा, हमारा जो भी कल्चर है, हमारा जो भी असास है, हम उससे शर्मिंदा क्यों है? बिकॉज ऐसे कल्चरल इन्वेजन इस कदर ज़्यादा है यहाँ, और मैं अक्सर पंजाबी, पंजाब में रहने वाली, पंजाबी बोलने वाली, पंजाबी मादरी ज़ुबान मेरी, आई एम ऑलवेज सो प्राउड टू बी पंजाबी, और मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको ओन करो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ज़ुबान, अपना लिबास, अपना कल्चर तो ओन करते नहीं, हम हमेशा दूसरों की तरफ रुख करते हैं कि अच्छा वो क्या पहनता है, वो क्या बोलते हैं। जब हमने अंग्रेज़ी को वो स्टेटस दिया है यहाँ पर, वो हमारी ना सिर्फ आप कह लें कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, वो हमारे इदारों में पढ़ाई जाने वाली फर्स्ट लैंग्वेज बन चुकी है, फिर आप किस तरह से एक शिकवा या शिकायत कर सकते हैं आने वाली नस्ल से कि आप पंजाबी क्यों नहीं बोलते, आप अपनी सकाफत से क्यों इतना दूर हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अब हेलोविंस बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ अब जो है वो स्पूकी नाइट्स होती हैं, डीजे नाइट्स होती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ फिर असाध्या जो हम जैसे हैं उनके लिए कहा जाता है आप भी आइएगा, आपके लिए कवाली नाइट रखी है, कंजर्वेटिव कंसीडर किया जाता है, तो उनको कंजर्वेटिव समझा जाता है। जब आपने बच्चों को वो कल्चर दे दिया जो आपकी इंस्टीट्यूशंस ने होली मनाई जा रही है यहाँ पर, मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि खुदारा आप कल्चरल हारमोनी के नाम पर एक इस तरह का इम्तिजाज मत लाइए जहाँ पर आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि मैंने किस डगर पर चलना है। आप उनको ये भी बता रहे हैं कि आज भी मैं सुबह से रिपोर्टिंग देख रही थी, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होते हैं, जिस भी अकलियत के होते हैं, उनको बड़े एक जोशो जज्बे से मनाया जाता है, मज़हबी उनको तमाम तर जो है वो आज़ादी हासिल है कि वो मना सकें, लेकिन ये आज़ादी अगर जब हद से तजावज़ करेगी तो फिर आपको एक कंफ्यूज्ड नस्ल मिलेगी। कौन सी चीज़ खुश करती है आपको? खुशी का मतलब जो है वो, या खुशी का जो मायनी है वो बदल गया है वक्त के साथ साथ। अब शायद सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ से मिलती है कि मेरी औलाद जो चीज़ मांगे मैं उसको दे सकूँ। वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट होता है कि जिसमें मुझे लगता है मैंने दुनिया में, या मैंने पता नहीं केटू सर कर लिया है कि जो इसने मांगा मैंने इसको दिया। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी रज़ा शामिल होनी चाहिए, मैंने औलाद को लेकर चलना है, और मेरे ख्याल से इस वक्त मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी ये है कि वट एवर दे वॉन्ट आई कैन गिव दैम, आई कैन गिव दैम अ गुड एजुकेशन, आई कैन गिव दैम अ गुड childhood, और वो मुझे एक बहुत एक कह लें कि आई कैन टेक द ब्रेथ ऑफ एक्सटेसी एट दैट टाइम व्हेन एवर आई अचीव के मेरे बच्चे ने कुछ मांगा मैंने उसको दिया, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात है सब चीज़ों से बढ़कर।
चली कहानी के सिलसिले में मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी मेहमान है मैं उनसे कुछ सलाह लूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। आप मुझे क्या सलाह देंगी? सबसे पहले तो मुझे आज ही इंटरव्यू देने के बाद बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है शायद वो कहीं ना कहीं जो मुलाकात मेरी मुझसे नहीं हो पा रही थी वो आपने करा दी, तो मैं सबसे पहले तो उस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मुझसे मिलवाया और बहुत दिनों बाद मिलवाया। सलाह मैं वही दूंगी जो मेरी वालदा ने मुझे दी थी। वो मुझे हमेशा कहा करती थी कि है ना, हमेशा झुकी डाली को फल लगता है, और आजिज रहना, झुक कर रहना, तुम्हें फल ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना ना झुकना कि अगर आंधी आए तूफान आए, और इतना ना झुकना कि कोई तुम्हें तोड़ डाले। तो बैलेंस जिंदगी में रखना, एक मयाना रवि के साथ लोगों को साथ लेकर चलना, रिश्तों को साथ लेकर चलना, अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को साथ लेकर चलना, और सबसे बड़ी बात यह कि खुद खुश रहना और मुतमिन रहना। ये आज के दौर में बहुत बहुत मुश्किल है कि अक्सर हम खुद से सवाल नहीं करते कि क्या मैं खुश हूँ। व्हाटएवर आई एम अचीविंग इन माय लाइफ, व्हाटएवर आई एम डूइंग इन माय लाइफ, एम आई हैप्पी, एम आई सेटिस्फाइड, मे बी अभी और भी कुछ करना बाकी हो, लेकिन जो कुछ मिल रहा है मेरे ख्याल में अगर उसमें खुशी तलाश कर ली जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। बहुत शुक्रिया। आखिरी एक हमारा जो सिलसिला है चली कहानी का, वो हमारे मेहमान को एक किताब देने का, तो मैंने जो आज एक किताब आपके लिए चुनी है वो अशफाक अहमद साहब की अर्ज़ मुसन्निफ़ है। उसमें एक आपके लिए एक तहरीर मैंने लिखी है, मैं चाहूँगा आपको पढ़ के सुनो। ज़रूर। हमारी बहुत मोहतरमा डॉक्टर हिना अदीब चाबतानी, आवाज़ की दुनिया में लोगों को हंसाना, समझाना और टहकाना किसी किसी के नसीब में आता है। बहुत ख़ास लोग होते हैं वो जो गुफ्तार में अदब, इखलाक और लिहाज को खैर मकदम रखते हैं। रेडियो ऐसे लोगों को चुनता है जो मुआशरे में लोगों की तकलीफ़ पे मरहम का काम करते हैं। चली कहानी ने जो किताब आपके लिए चुनी है उसका नाम है अर्ज़ मुसन्निफ़, जो कि मोहतरम अशफाक अहमद साहब की तहरीर करता है। अशफाक अहमद मरहूम भी रेडियो इंडस्ट्री में मौजूद सदाकारों की बरादरी के सरदार हैं, जिन्होंने अपनी तहरीर के ज़रिए रेडियो के सदाकारों को एक ऐसा जाविया दिया जो लोगों की समातों के लिए एक पुरकशिश सताइश बनी। चली कहानी में ये किताब आपको अशफाक अहमद साहब के साथ साथ खुद से मुलाकात का भी मौका देगी। आप जैसी मूर्तियों को इस मुआशरे की ज़रूरत है। आपकी हिम्मत, हौसला और वक़ार हमारे मुआशरे की औरत के लिए एक मशले राह और ताज़ा हवा का झोंका है। आपका बहुत अपना एहसन सैयद। थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुली रिटन। थैंक यू सो मच एहसन साहब, इट वॉज गुड टू सी यू, इट वॉज इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू बी विद यू एंड टू गिव दिस इंटरव्यू। और इस कदर खूबसूरत तहरीर जो आपने लिखी है, ये हमेशा मुझे इस बात का जो है वो कह लें कि एक सबूत भी देती रहेगी, एक मेरे लिए एक अप्रिसिएशन भी है, हौसला अफजाई भी है कि शायद अब तक की ज़िंदगी में कुछ तो हासिल किया मैंने। जज़ाकअल्लाह। सलामत रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।